हेलो फ्रेंड्स फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है और आज हम अपने इस डेटा हैंडलिंग के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने हमारे पास जो भिन्न भिन्न प्रकार की डेटा फाइल्स आती हैं जैसे कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स और टेबुलर डेटा फाइल्स उनको हम किस प्रकार से आर सॉफ्टवेयर में रीड करेंगे उसके बारे में बात करी थी राइट उसी प्रकार से हमारे पास और भी बहुत सारे फाइल के फॉर्मेट होते हैं और उसमें से एक बहुत ही हमारा पॉपुलर फॉर्मेट है स्प्रेडशीट ये स्प्रेडशीट जैसे कि हमने देखा है कि आपका जो माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा भी तैयार करी जा सकती है और ये काफ़ी पॉपुलर फाइल स्ट्रक्चर है जिसमें लोग अपने डेटा को सेव करते हैं तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई फाइल हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर सेव करी गई है तो उसको हम आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से रीड करेंगे अब देखिए एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक हमारा बाहर का सॉफ्टवेयर है और उसका एक अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा वह उन डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करने की कोशिश करता है तो जब आप उसको एम एस में खोलेंगे तो तो आपको वैल्यूज़ सब पूरी ठीक से दिखाई पड़ेंगे लेकिन जब आप उसको आर में खोलेंगे तो उसमें से पूरा उसका जो डेटा वैल्यू सब एक अलग तरीके से दिखाई पड़ेंगी जो हमको समझ में नहीं आएगा तो इस कार्य को करने के लिए आ, कुछ डेटा फाइल्स के लिए तो आर में हमारे पास बिल्ट इन कैपेबिलिटीज़ हैं जैसा आपने देखा था कि टेबुलर डेटा फाइल्स को और सी एस वी डेटा फाइल्स को आर सॉफ्टवेयर ने बिना किसी एक्सटर्नल पैकेज के रीड कर लिया लेकिन एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए हमको एक पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी और वह पैकेज है रीड एक्सेल आपको मैं खाली आपको इन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एम एस एक्सेल में हमारे पास दो तरह के फाइल के फॉर्मेट होते हैं एक का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स एल एस एक्स और एक का होता है डॉट एक्स एल एस राइट right. तो पहले आ, इन दोनों फाइल्स को रीड करने के लिए हमारे पास अलग अलग पैकेजेस होते थे लेकिन अब इन दोनों फाइल्स को हम एक ही पैकेज से रीड कर सकते हैं लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे भी आपको इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि ये परिवर्तन अपने आप से होते रहते हैं और जैसे जैसे हमारा आर्ट डेवलप हो रहा है और जो भी कुछ अच्छा होता जाता है वो हमारा आर के अंदर आता जाता है तो आज की डेट में हमारे पास जो रीड एक्सेल पैकेज है वह दोनों तरह की, की फ़ाइल को एक साथ रीड कर रहा है आगे आने वाले समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के पैकेज में कोई परिवर्तन होता है तो आप उस पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा जो उसके कमांड्स होते हैं किस प्रकार से फाइल को रीड किया जाता है उसमें कोई छोटा मोटा चेंज भी आता है उसको किस प्रकार से हैंडल करना है वह तब तक आपको स्वयं ही आ जाएगा अच्छा हाँ एक चीज़ बता दूँ मैं आपको आगे बढ़ने के पहले कि एक्सेल में आपने देखा है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि एक, एक ही फाइल के अंदर आप एक से ज़्यादा डेटा फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसको बोलते हैं शीट राइट शीट नंबर वन शीट नंबर टू इत्यादि तो इन शीट का जो नाम होता है वो आप उसके नंबर के द्वारा भी दे सकते हैं खासे शीट नंबर वन शीट नंबर टू या आप उनको नाम भी दे सकते हैं तो अब आपने अपनी डेटा फाइल में शीट का नाम नंबर के द्वारा दिया है या कुछ स्ट्रिंग के माध्यम से दिया है ये आपको फ़ाइल में देखना है और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगा कि आप अपनी डेटा फाइल में किस शीट को रीड करना चाहते हैं शीट नंबर वन शीट नंबर टू या कुछ और तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए चलिए हम अपने आज के इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और कुछ उदाहरण लेकर के हम ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ ही जिस प्रकार से मैंने पिछले लेक्चर में कुछ फाइल्स तैयार कर ली थी जैसे मैंने आपको टी टी और सी की छोटी छोटी फाइल्स तैयार कर ली थी कि जिसके द्वारा मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया था कि आर हमारा किस प्रकार से फाइल को रीड करता है उसी प्रकार से एक्सेल की भी मैंने एक आज एक फ़ाइल तैयार करी हुई है मैं आपको फाइल दिखाऊंगा और उसके बाद उसी फाइल को हम आर सॉफ्टवेयर में रीड करने की कोशिश करेंगे तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं ओके तो सबसे पहला तो काम आपको यह करना पड़ेगा जो मैंने पिछले लेक्चर में किया था कि आपको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को सेट करना होगा जैसे मैंने बताया था कि मैंने एक सी कोलन पर आर कोस नाम का एक फोल्डर बना लिया है और उसके अंदर मैंने अपनी सारी फाइल्स को रखा हुआ है राइट तो इसी तरह से आपने जो भी फोल्डर बनाया आप उसको सेट कर लीजिए उसके बाद अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्प्रेड शीट है अर्थात जो हमारी एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर में जो भी हमारी डेटा फाइल तैयार करी गई है उसको किस प्रकार से आर सॉफ्टवेयर में पढ़ने की कोशिश करी जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा तैयार करी हुई डेटा फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास एक हमको एक पैकेज की आवश्यकता पड़ती है और इस पैकेज का नाम है रीड एक्स राइट और इस पैकेज में हमारा जो कमांड होता है वो होता है रीड अंडर स्कोर ई एक्स सी ई एल और या रीड अंडर स्कोर अब यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान कहाना चाहूँगा कि आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पर किस जगह पर अपना जो पेन है उसको मार्क कर रहा हूँ क्यों क्योंकि देखिए ये जो है ना री आर ई ए डी एक्स एल इसको मैं पढ़ूँगा रीड एक्सेल और ये भी ये भी जो लिखा हुआ है रीड अंडर स्कोर ई एक्स सी ई एल इसको भी मैं पढ़ूंगा रीड अंडर स्कोर एक्स एल तो ये एक्स एल है या ये ई एक्स सी ई एल है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कोई कन्फ्यूजन ना हो लेकिन आपको भी हमारा साथ देना है तो जब हम इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो यूजुअली ये हमारी जो भी पहली शीट होगी उसके अंदर जो भी डेटा दिया हुआ है वह उसको पगलने की कोशिश करेगी उसके बाद में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर शीट को अगर पगला है तो उसके लिए हमको उसमें उपयुक्त उसका कमांड देना पड़ेगा राइट तो ए, अपने इस एक्सेल फाइल्स को रीड करने के लिए सबसे पहले आप ए, जो रीड एक्सेल पैकेज है आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए उसका कमांड आपका है आई एन एस टी ए डबल एल इंस्टॉल डॉट पैकेज पी ए सी के ए जी ई एस और आ, आपको पैरेंथिस में लिखना है आपको आ, डबल कोर्स में आर ई ए डी एक्स एल सब कुछ लोअर केस अल्फाबेट्स में रहेगा और उसके बाद ये पैकेज आप इंस्टॉल कर लीजिए उसके बाद में लाइब्रेरी और पैरेंथेसिस में लिख लिया रीड एक्सेल सब कुछ लोअर केस अल्फाबेट्स में इसके द्वारा आप अपने पैकेज को लोड कर लीजिए मैंने अपने कंप्यूटर में इसको पहले से लोड कर लिया है लेकिन आपको उसको लोड करने की आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर मुझे अपनी किसी स्प्रेडशीट को या किसी एक्सेल फाइल को अगर आर सॉफ्टवेयर में रीड करना है तो उसका कमांड हमारा होता है रीड अंडर स्कोर ई एक्ससी ई एल और पैरेंथिस में हम उस अपनी फाइल का नाम लिखते हैं जैसे मैंने उदाहरण के लिए फाइल का नाम लिया हुआ है डी ए टी एफ आई एल ई डेटा फाइल डॉट एक्स एल एस एक्स राइट और इसको मैंने डबल कोर्स में दे दिया उसी प्रकार अगर हमारे पास फाइल का एक्सटेंशन है डॉट एक्स एल एस तो भी हम उसको इसी कमांड से पकड़ने की कोशिश करेंगे रीड अंडर स्कोर ई एक्स सी ई एल और पैरेंथिस में हम डबल कोर्स में लिख देंगे डेटा फाइल का नाम और डॉट एक्स एल एस राइट अब इसके द्वारा तो आपकी जो भी पहली शीट होगी वो रीड कर ली जाएगी अगर आपको पहली के अलावा किसी और शीट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं देन आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आपके पास शीट नंबर होगा या उसका शीट का नाम होगा तो आप इसमें से आ, आप उसको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो कमांड है वो तो वही रहेगा रीड अंडर स्कोर ई एक्सी ई एल और पैरेंथिस में आपको अपना जो भी डेटा सेट है डेटा फाइल है उसको लिखना है और साथ में आपको शीट अंडर स्कोर नंबर के द्वारा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर आपको शीट का नंबर लिखना है और आप अगर शीट का, अगर शीट का नाम यूज़ करना चाहते हैं तो उसको मैंने देखिए डबल कोर्स में शीट अंडर नेम के द्वारा दिखाया है यहाँ पर आपको उस शीट का नाम देना होगा राइट right. तो चलिए हम आपको यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं उसके द्वारा हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे आ, मैं आपको उसी उदाहरण का पहले स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ उसके बाद में मैं आपको ये फ़ाइल भी दिखाऊंगा। तो देखिए ये फ़ाइल मैंने बिल्कुल उसी प्रकार से तैयार करी है जिस प्रकार से मैंने पिछले लेक्चर में डॉट सी और डॉट टी फाइल को पढ़ने की कोशिश करी थी राइट right. तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल लिए हैं उसका मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है आपको याद होगा पिछली बार मैंने उनका नाम नहीं दिया था इसका नाम है वेरिएबल वन वेरिएबल टू और वेरिएबल थ्री और वेरिएबल वन के अंदर जो हमारा यहाँ पे डेटा है वो क्या है वो डेटा हमारा वही है जो हमने पहले लिया था पहले कॉलम में हमने लिया है वन टू तो, थ्री फोर फाइव दूसरे कॉलम में टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी और तीसरे कॉलम में लिया हुआ है हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड और यहाँ पे देखिए ये हमारी रोज़ में इन वैल्यूज़ को हमने अरेंज कर दिया है राइट right. तो देखिए ये हमारा डेटा है जिसको हम आप यहाँ पे रीड करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके पहले मैं आपको ज़रा ये दिखा दूँ कि ये हमारा डेटा कहाँ पे है ये देखिए ये मैंने आपको आर कोर्स फोल्डर में यहाँ पे उसको सेव कर लिया है और इसको जब हम खोलेंगे तो ये हम उसको इस प्रकार से दिखाई पड़ता है देखिए आपका वेरेबल वन का कॉलम है ये वेरेबल टू का कॉलम है ये वेरेबल थ्री का कॉलम है ये आपका जो है वन टू थ्री फोर फाइव जो हमारी डेटा बैल उसके रोज हैं वो दी हुई हैं और इसमें से आप देखें कि मैंने यहाँ पे दो शीट्स तैयार करी ये हमारी है शीट वन और ये हमारी है शीट टू तो शीट टू में मैंने जो वेरेबल्स के नाम लिए हैं वो लिए हैं वेरेबल फोर वेरेबल फ़ाइव वेरेबल सिक्स और वेरेबल फोर के अंदर मैंने ये पाँच वैल्यू ली हैं सिक्स सेवन एट नाइन टेन और वेरेबल फ़ाइव में वैले मैंने वैल्यू ली हैं हंड्रेड टेन हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड थर्टी हंड्रेड फोर्टी हंड्रेड फिफ्टी और वेरेबल सिक्स में मैंने वैल्यू ली हैं हंड्रेड टेन टू हंड्रेड टेन थ्री टेन फोर टेन एंड फाइव हंड्रेड टेन राइट right, तो आपको ये याद रहेगा कि वन टू थ्री शीट नंबर वन में है और फोर फाइव सिक्स आपकी शीट नंबर टू में है राइट right. तो चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं और ज़रा सा हम देखते हैं कि हम अपने जब आर सॉफ्टवेयर में इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो किस प्रकार से हमारा कार्य आगे बढ़ेगा तो देखिए एक बात तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब आप इन आ, आ, फाइल्स को आर सॉफ्टवेयर के अंदर ले आते हैं तो अगर किसी आपको वेरिएबल को एक्सेस करना है तो वो बहुत ही आसान काम है आपने जिस नाम से अपनी इस फाइल को आर सॉफ्टवेयर में स्टोर किया हुआ है जो उसका ऑब्जेक्ट का नाम है आप उसको लिखिए और कैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है जो भी ऑब्जेक्ट का नाम लिया है उसको लिखिए फिर लिखिए अपना डॉलर का साइन और उसके बाद में जो भी वेरिएबल का नाम है आप उसको हु बहुत तरीके से वैसे ही वहाँ पर लिख दीजिए अब जब भी आपके पास वेरिएबल आ जाता है उसके पास आपको इसके ऊपर अपने जो भी ऑपरेशंस uh, करने हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल जो भी करने हैं वो आप कर सकते हैं कल ही यह हम यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि ये जो हमारी फ़ाइल है इसका नाम मैंने दिया है एस पी ई एक्स सी ई एल डॉट एक्स एल एस एक्स राइट इसको मैंने देखिए डबल कोर्स में लिख दिया और फिर मैंने कमान यूज़ किया रीड अंडर इसको ई एक्स सी ई एल राइट और फिर मैंने यहाँ पर दिया शीट नंबर वन तो इसको मैंने लिख दिया शीट इक्वल टू वन अर्थात जो उसमें शीट नंबर वन में डेटा है आप उसको रीड करने की कोशिश करिए और इसका जो भी हमारा आउटपुट आएगा आर सॉफ्टवेयर में स्टोर हो हो करके जो हमारा आर ऑब्जेक्ट आएगा उसका मैंने नाम दे दिया डेटा एस पी ई एक्स सी ई एल वो इसलिए है खाली कि फाइल का नाम मैंने दिया हुआ है एस पी ई सी ई एल और तो इसीलिए मैंने दे दिया कि ये इसका डेटा है तो जब आप ये डेटा को आप देखेंगे आर सॉफ़्टवेयर में कि इसका जो आउटपुट कैसे आता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा राइट ये आपने डेटा का नाम लिख करके यहाँ पर एंटर किया और उसके बाद में ये देखिए आ जाएगा केबल फाइव क्रॉस थ्री अर्थात ये जो आप नीचे डेटा देख रहे हैं वो देखिए इस प्रकार का है कि जो पहली रो में आपकी वैल्यू आ गई वन टेन हंड्रेड दूसरी में आ गई दो बीस और टू हंड्रेड इसी प्रकार से आपका जो बाकी डेटा था ये देखिए पूरा पूरा डेटा आपका एस सच यहाँ पर आ गया राइट right. और ये क्या दिए हुए हैं ये इसके रो नंबर दिए हुए हैं और ये देखिए इसके कॉलम जो आपने कॉलम नेम से दिए हुए थे वो देखिए ये यहाँ पर आ गए वेरिएबल वन वेरिएबल टू और वेरिएबल थ्री लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अब इसके ये जो वेरिएबल्स के नाम आपने दिए थे उसमें आपने कुछ ए, कोट ए, नहीं दिया था लेकिन देखिए यहाँ पर इसमें कोट लग गया है तो अब जब आप इस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो आपको इन कोट्स को साथ में लगाना पड़ेगा तो इसके लिए हमारी आपको एडवाइस वही है कि आप अपने कॉलम नेम्स को देख लीजिए या उसमें से जो भी नाम यहाँ पर लिख करके आ रहा है आप उसी को बिल्कुल कॉपी करके फॉलो करने की कोशिश करिए इससे आपको कोई यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगी तो कि अगर हम अपने वेरेबल वन के डेटा को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो मैंने क्या लिखा डेटा एस पी ई एस सी ई एल डॉलर और जो भी हमारा वेरिएबल वन का नाम यहाँ पे लिख के आया था तो मैंने उसको एस एस लिख दिया तो देखिए ये जो वेरिएबल वन का डेटा था ये आपका देखिए यहाँ पर आ गया वन टू थ्री फोर फाइव उसके बाद में मैंने कर दिया डेटा एस पी ई एस सी ई एल एंड डॉलर करके मैंने कर दिया कोर्स के अंदर वेरिएबल टू राइट जैसा मेरा वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख करके आ रहा था इस प्रकार से राइट right? तो देखिए इसमें से आपको जो सेकेंड कॉलम का डेटा ये आपका आ गया उसी प्रकार से आप थर्ड कॉलम का भी डेटा निकाल सकते हैं और उसके बाद अगर आपको इनको इनकी किसी वैल्यू पर अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल वन की वैल्यूज़ आई थी ये वन टू थ्री फोर फाइव इसका मैंने मीन निकाला है तो मैंने लिख दिया मीन और पैरेंथेसिस में मैंने इसी वेरिएबल का नाम लिख दिया तो इसका मीन कितना आ गया तीन राइट right. और ये देखिए इसका आपका स्प्रेट शीट का जो भी आर सॉफ्टवेयर में आने के बाद में किस प्रकार से दिखाई देगी ये इसका देखिए आउटकम आ गया तो चलिए आपको हम पहले जरा सा इन कमांड्स को जरा सा हम अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं राइट तो सबसे पहला तो कार देखिए यही है मुझे अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को सेट करना होगा तो मैंने कर लिया अब देखिए इसमें से आपकी गेट वर्किंग डायरेक्ट्री क्या आ गई सी कोलन आर कोर्स राइट उसके बाद में हमको अपना ये जो लाइब्रेरी रीड एक्सेल इसको मुझे लोड करना है क्यों क्योंकि ये मैंने पहले से पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है अगर आपने पहले से पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा राइट उसके बाद अब हम जरा सा इस अपने इस डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं तो देखिए किस प्रकार से आएगा ये मैंने इसी कमांड को यहाँ पे लिखा और जब आप देखेंगे तो देखिए ये कितना आ गया डेटा एस पी ई एक्स सी ई एल तो ये किस प्रकार से दिखाई देगा इसने कह दिया टेबल फाइव बाई थ्री अर्थात इसमें देखिए आप देखिए पांच रोज़ हैं यहाँ पे और तीन कॉलम्स हैं तो ये आपका फाइव बाई थ्री का डेटा हो गया और ये देखिए आपके वेरेबल वन वेरेबल टू वेरेबल थ्री आ गए लेकिन अब उनका देखिए नाम बदल गया है यहाँ पर कोर्स लग गया है तो आपको इन कोर्स का भी पालन करना पड़ेगा तो जैसे कि हम बताएं कि अगर मुझे मान लीजिए वेरिएबल वन का डेटा अगर एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट नेम है डेटा एस पी ई एक्स सी एल इसको लिखूंगा साथ में डॉलर साइन को लगाऊंगा और साथ में इस वेरिएबल वन को हुबहु तरीके से लिख दूंगा तो देखिए आपको ये पहले कॉलम का डेटा एक्सेस हो गया उसी प्रकार से आप अगर दूसरे कॉलम का डेटा लेना चाहेंगे तो भी आपको ऐसे मिल जाएगा उसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए कि दूसरे कॉलम के डेटा पर आप इसका अगर अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं तो आपका कमान होता है मीन आप अगर मीन करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर थर्टी वैल्यू मिल गई आपने देखा कि ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने पहले अपने आ, डेटा फाइल्स में भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए थे और उसमें से डिफरेंट कमांड्स को यूज़ किया था उनको ही हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा उसका पैटर्न बिल्कुल एक सा है हाँ फ़ाइल का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो जिस प्रकार से बदलता जाता है उससे हमारे कमांड्स थोड़े बहुत बदलते जाते हैं अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से यही वाला कमांड दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी इस्तेमाल किया लेकिन अब उसमें से मैं अपनी शीट नंबर टू को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको देखिए मैंने कैसे लिख दिया शीट इक्वल टू टू जब और इसका डेटा मैंने डेटा एस पी ई एक्स सी ई एल टू में मैंने स्टोर कर दिया तो देखिए ये डेटा किस प्रकार का आ जाएगा जो आपने डेटा देखा था आपके पास तीन वेरेबल थे वेरेबल फोर फाइव और सिक्स तो आपके वेरेबल फोर वेरेबल फाइव और वेरेबल सिक्स आ गए लेकिन इसमें यहाँ भी कोर्स लग गया है ध्यान रखिएगा और जो आपका जो डेटा वैल्यूज़ आपने दी थी वेरेबल फ़ोर में सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये ये देखिए आ गई वेरेबल फाइव की जो वैल्यूज थी 110, 120, 130, 140, 150, 150 आ गई उसी प्रकार से वेरिएबल सिक्स की जो वैल्यूज थी 110, 210, 310, 410 टेन एंड फाइव ये भी आ गई तो आपने देखा कि आर सॉफ्टवेयर ने आपकी एक्सेल फाइल की दोनों शीट का डेटा सही तरीके से समझ लिया है और आपको दिखा भी दिया है अब इसी जिस प्रकार से आपने शीट नंबर वन का डेटा एक्सेस किया था उसी प्रकार से आप यहाँ पे शीट नंबर टू का जो डेटा है उसको आप भिन्न भिन्न वेरिएबल्स के द्वारा उनका नाम देते हुए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि अगर हम कहें कि अगर आपको वेरिएबल फ़ोर का डेटा एक्सेस करना है तो वो देखिए क्या है सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो अब आप आपने यहाँ पे लिख दिया डेटा एस पी ई एक्ससी ई एल टू और डॉलर और साथ में जो इसका वेरिएबल फ़ोर का नाम यहाँ पर उत्पन्न हुआ है आपको इसको यूज़ करना है राइट right, तो इसके अंदर देखिए डबल यहाँ पे देखिए कोर्स भी लगा हुआ है तो आपको कोर्स को भी इस्तेमाल करना है तो ये वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी सिक्स सेवन एट नाइन टेन और उसी प्रकार से आप अगर इस वेरिएबल फाइव का डेटा लेना चाहेंगे तो आप यहाँ पे अपना आर का जो ऑब्जेक्ट नेम लिखिए और साथ में कर दिए वेरिएबल फ़ाइव तो आपको देखिए यही डेटा मिल गया जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी प्रकार से आपको वेरिएबल सिक्स का भी डेटा मिल जाएगा जो जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और ये सारा डेटा आपका शीट नंबर देखिए टू का है और इसी में से आप अगर इसका मीन भी निकालना चाहेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है आप यहाँ पे लिख दिए मीन और जो भी वेरिएबल का नाम है आप लिख दिए जैसे मैंने वेरिएबल सिक्स का मीन निकाला है तो कितना आ गया थ्री हंड्रेड टेन आपने देखा कि इसका भी देखिए जो ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार से आपने पहले शीट नंबर वन में किया था और होना भी चाहिए और ये देखिए आपका इसका स्क्रीन शॉट है जो ऑपरेशन आपने भी किए हैं ये मैं आपको आज सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा लेकिन उसके पहले हम कुछ और ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं आप अगर मान लीजिए आपको अपने आर सॉफ्टवेयर में इस एक्सेल फाइल को इस प्रकार से रीड करना है कि उसमें मैक्सिमम खाली तीन रोज़ को ही रीड किया जाए अर्थात कि आप अपनी कितनी मैक्सिमम रोज़ को रीड करना चाहते हैं उसको आप लिमिट करना चाहते हैं तो इसका हमारा कमांड होगा कि हमारा कमांड तो वही रहेगा रीड अंडर स्कोर ई एक्सी ई एल और साथ में जो भी हमारे डेटा सेट की वैल्यू है उसको देना है लेकिन हम यहाँ पे एक कमान लगा देंगे एन अंडर स्कोर एम ए एक्स और उसकी जो भी वैल्यू हमको देनी वो हम यहाँ पे दे देंगे अगर मुझको अपनी इस डेटा फाइल में मैक्सिमम तीन फाइल्स को ही खाली अगर रीड करना है तो हम लिख देंगे एन अंडर स्कोर एम ए एक्स इक्वल टू थ्री राइट उसके अलावा अगर आपको अपनी एक्सेल फाइल में किसी पर्टिकुलर सेल्स का डेटा ही अगर रीड करना है तो उसको हम किस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे आपको पता है कि हमारा जो भी एक्सेल का सॉफ्टवेयर होता है उसमें से जो फाइल होती है उसमें से हमारे यहाँ पे ए बी सी करके कॉलम नेम्स होते हैं और रो के जो नेम्स होते हैं वन टू होते हैं तो अगर हम कहें कि ये हमारा एड्रेस इसका क्या है इसका एड्रेस हमारा होगा सी वन क्यों कॉलम नंबर सी और रो नंबर वन राइट तो उसी प्रकार से हम अपना जो एड्रेस यहाँ पर देते हैं उसको हम इसी रो कॉलम के फॉर्मेट में देते हैं तो अब अगर मान लीजिए कि मुझे अपनी एक्सेल फाइल में से कोई ऐसा डेटा रीड करना है जो खाली कुछ सेल्स में ही सीमित हो और हमको उस सेल्स का एड्रेस पता है तो मुझे यहाँ पे जो अपना कमांड है वो तो वही रहेगा रीड अंडर स्कोर एक्सेल और उसके बाद डेटा सेट का नाम आ जाएगा लेकिन यहाँ पे मुझे एक और कमांड यूज़ करना पड़ेगा रेंज आर ए एन जी और इसमें आपको देना पड़ेगा आ, यहाँ पे डबल कोट में कैसे मैंने यहाँ पे C1 से लेकर के E7 तक की फ़ाइल को हम रीड करना चाहते थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C1 वन कोलन ई और उसको डबल कोर्स में लिख दिया राइट right, उसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रीड अंडर स्कोर एक्सेल डेटा सेट का नाम और आर ए एन जी ई सब कुछ हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में और यहाँ पे हम ऐसे भी लिखते हैं आर वन सी टू कोलन आर टू सी फाइव तो ये हमारा क्या होता है एक्चुअली में ये हमारा रो कॉलम नोटेशन होता है तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा है आर वन तो आर वन का मतलब होता है फर्स्ट रो और सी टू का मतलब होता है सेकेंड कॉलम और आर टू का मतलब होता है हमारा सेकेंड रो और सी फाइव का मतलब होता है फिफ्थ कॉलम राइट right. तो ये आर वन सी टू से आर टू सी फाइव तक का जो भी डेटा है वो इस कमांड के द्वारा आप उसको बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं तो चलिए आप इस जब कमांड्स को अपने आर सॉफ्टवेयर में जब आप यूज़ करते हो तो जैसे मान लीजिए जो आपकी फ़ाइल थी एस पी ई एक्ससी ई एल डॉट एक्स एल एस एक्स इसके अंदर आपको मान लीजिए सिर्फ अगर मैक्सिमम क्वीन रोज़ को ही रीड करना है ऊपर से तो देखिए आप आपने यहाँ पे लिख दिया डेटा एस पी ई एक्सी एल फोर के अंदर आपने इसका आउटकम सेव कर दिया और यहाँ पर लिख दिया रीड अंडर स्कोर ई एक्स ई एल और इसके बाद में फाइल का नेम और यहाँ पर लिख दिया एन अंडर स्कोर मैक्स इक्वल टू तीन तो देखिए आपका जो आउटकम कुछ इस प्रकार का आ जाएगा इसने आपको खाली पहली दूसरी और तीसरी रो रोही दिखाई उसके आगे आपको ये कुछ नहीं दिखाएगा राइट तो देखिए ये इसका आपका स्क्रीनशॉट है इसी प्रकार से आप जब आर सॉफ्टवेयर में करोगे तो आपको ऐसे ही ये दिखाई पड़ेगा उसके बाद में देखिए आप अगर माली अपनी एक किसी रेंज को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन शॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ ये कि आप यहाँ पे लिख देंगे रेंज इज़ इक्वल टू ए टू ओलन बी थ्री और इसको डबल कोर्स में लिख देंगे और साथ में लिख देंगे कहाँ पे? शीट नंबर वन की शीट नंबर टू तो यहाँ पे आप लिख देंगे शीट नंबर वन शीट इक्वल टू वन तो आपको देखिए ये जो भी वैल्यूज़ हैं टू ट्वेंटी दे देगी उसी में आप कर देंगे रेंज इक्वल टू ए टू टू बी थ्री शीट नंबर टू में कर देंगे तो ये आपको जो शीट नंबर टू में जो भी आपको वैल्यूज़ दी हैं ये आपको देगी राइट right. तो देखिए इस प्रकार से आप इन चीज़ों को बहुत आराम से अपनी एक्सेल फाइल में आप रीड कर सकते हैं राइट तो चलिए अब हम करा सा आपको इन ऑपरेशन को सबसे पहले आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा दें और फिर हम कुछ आगे की बात करेंगे तो देखिए इसी डेटा को जो आपने अपने स्टोर करके रखा है इसी में से हम अपनी एस पी ई फाइल से शीट नंबर दो को रीड करने की कोशिश करते हैं राइट तो देखिए ये आपका हो गया डेटा एस पी ई एक्स सी ई एल टू देखिए इस प्रकार का आ गया ये तो आपकी फ़ाइल थी यहाँ पे वेरिएबल फ़ोर वेरिएबल फ़ाइव वेरिएबल सिक्स करके आपके वेरिएबल्स थे और उनके उनकी जो वैल्यूज़ देखिए यहाँ पर दी हुई हैं राइट right. उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको अगर इसमें से किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर रीड करना अगर है तो बहुत आसान तरीका है आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं तो इस वेरिएबल नेम को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और उसके बाद में यहाँ पे ए, उस आर का जो डेटा ऑब्जेक्ट है उसमें उसके आ, आगे लगा दूँगा डॉलर और फिर वेरिएबल नेम को लिख दूंगा इसकी वैल्यू में क्या मिल जाएगी सिक्स सेवन एट नाइन टेन देखिए मिल गई उसी प्रकार से अगर हमको मान लीजिए वेरिएबल फाइव को निकालना है तो भी हमारा ये जो सेकेंड कॉलम में वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी और उसी में अगर हमको इसी का अगर मान लीजिए सम निकालना है तो हम मीन की जगह सम निकाल लेंगे जैसे तो क्या हो जाएगा सभी का सम हमारा सिक्स फिफ्टी आ गया और इसी फाइल में आप अगर मान लीजिए अपनी खाली आराम की तीन फाइल्स को रीड करना चाहते हैं तो आप देखिए ये आपको खाली ये तीन फाइल्स ही ये दिखा रहा है ये राइट उसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी डेटा को पकड़ना चाहते हैं जैसे रेंज इज इक्वल टू बी टू सी थ्री तो देखिए आप अगर इसको रीड करना चाहते हैं लेकिन कहाँ पर तो शीट नंबर वन में तो देखिए आपको ये दे देगा इस प्रकार से इसी में आप अगर मान लीजिए शीट नंबर दो को दे दें तो देखिए क्या आ जाएगा उत्तर ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा और इसी में आप अगर मान लीजिए जो आपने B2 टू टू लिया इसको आप अगर मान लीजिए C2 से B3 आप अगर कर देंगे तो देखिए क्या होगा C2 से B3 करने में ये आपको दे देगा एरर क्यों देखिए ये तो आपको ये जो एड्रेस होता है ये तो बगलते हुए में देता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आपने यहाँ पर उल्टे तरीके से एड्रेस दे दिया इसलिए ये आपको यहाँ पर एरर दे रहा है राइट तो इसी प्रकार से आप अपने बाकी भी जो ऑपरेशंस होते हैं उनको आप बहुत आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं राइट तो अब इसके बाद में चलिए हम आपको एक और टॉपिक के बारे में बता दें कि जिस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि मैंने अपनी एम एस एक्सेल की फाइल को रीड करने की कोशिश करी है और ये माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है और उसी प्रकार से हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स uh, और मैथमेटिक्स के भी सॉफ़्टवेयर्स होते हैं या कुछ और हमारे सॉफ्टवेयर्स uh, होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी डेटा फाइल्स को क्रिएट करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर्स की जो डेटा फाइल है उसको आर सॉफ्टवेयर में रीड करने के लिए हमारे पास एक अलग से पैकेज होता है राइट right. तो जैसे अगर हम कहें कि हमारे स्टैटिस्टिक्स में सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे एस पी मैट इत्यादि तो उनको उनकी जो डेटा फाइल हैं उनको आर सॉफ़्टवेयर में किस प्रकार से रीड किया जाए तो उसके बारे में करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारा पैकेज होता है उसका नाम है फ़ोर एफ़ ओ आर ई आई जी एन और उसके अंदर क्या है कि अगर आप मान लीजिए एस एस जो हमारा एक स्टेटस का सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर कोई अगर डेटा फाइल क्रिएट करी गई है और उसको आप आर सॉफ्टवेयर में रीड करना चाहते हैं तो आपका कमांड हो जाएगा रीड डॉट एस पी एस एस और पैरेंथिस में आपको अपने जो भी फाइल का नाम है बाकी कमांड्स देने पड़ेंगे तो उसके लिए आपको पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा लाइब्रेरी फंक्शन को रीड करना पड़ेगा और उसके बाद में इस कमांड को रीड डॉट एस पी एस एस करके जो भी डेटा फाइल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट एस सी वी उसके साथ में फ़ाइल का नाम लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर तो आप उस डेटा को रीड कर सकते हैं उसी प्रकार से कोई अगर माली एस की डेटा फाइल है तो उसके लिए हमारे पास एक और पैकेज होता है उसको हम कहते हैं एक्स ये हमारा अपर केस में लिखा हुआ है कैपिटल एक्स कैपिटल एम कैपिटल एल ये हमारा पैकेज का नाम है आप उसको इंस्टॉल करिए और उसके बाद में जो हमारा जो कमांड होता read, stml, table, है रीड एस टी एम एल टेबल इसको इस्तेमाल करिए इसमें आप ध्यान देंगे ये जो रीड है ये तो हमारा लोअर केस में है एस टी एम एल और टी ये हमारा अपर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ और ए बी एल ई हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है तो इसको भी आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर उसको लाइब्रेरी कमांड से लोड करना पड़ेगा और उसके बाद में आप रीड एस टी एम एल टेबल और और पैरेंथिस में आप जो फाइल नेम है आप उसको लिखेंगे डबल कोर्स के अंदर तो इसके डेटा को भी ये रीड कर लेगा उसी प्रकार से हमारे पास जो फॉरेन वाला जो पैकेज है ये हमारे ऑक्टिव और मैटलैब की फ़ाइल होती हैं उसको ये रीड डॉट ऑक्टिव कमान के द्वारा रीड कर सकता है ऐसे ही हमारा सिस स्टैट और स्टेटा हमारे स्टैटसिस के सॉफ्टवेयर होते हैं तो इनकी अगर फाइल को रीड करना है तो उसके लिए स्टैट की फाइल को रीड करने के लिए रीड डॉट सिस स्टैट एस वाई एस टी ए टी करना पड़ेगा स्टैस की फाइल को रीड करने के लिए रीड डॉट एक्स पी ओ आर टी करना पड़ेगा और इस की फाइल को रीड करने के लिए आपको रीड डॉट डी टी ए कमान का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो इन कमान को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये जो डेटा फाइल आपके आर सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी और उसके बाद में फिर आप उस डेटा फाइल को आराम से अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडल कर सकते हैं उसका एक आर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसमें फिर आपको फाइल को एक्सेस करना है या उसके जो हमारे भिन्न भिन्न हमारे कमांड्स थे उसके ऊपर ऑपरेट उपर करने के लिए वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर हमारे डिफरेंट तरीके के ऑपरेशन को करने के लिए आप उनको बहुत आराम से कर सकते हैं वो आपका बिल्कुल जिस प्रकार से हमारा आर का कोई एक वेरिएबल होता है वो उसी प्रकार से कार्य करेंगे अब आपने देखा कि मैंने आपको ख़ास तौर पर डॉट सी एस वी डॉट टी एस टी और डॉट एक्स एल एस और डॉट एक्स एल एस एक्स इन फाइल्स के बारे में आपको मैंने विस्तार से बताया है और इसी प्रकार से हमारे पास बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी अपनी अपनी फाइल्स होती है समय के साथ में इसमें से परिवर्तन भी आते रहते हैं नए पैकेजेस आते रहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर बोलते रहते हैं उनके अंदर अपडेशन होते रहते हैं उसी प्रकार से आर के अंदर भी भी परिवर्तन आते रहते हैं तो अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस सॉफ़्टवेयर में काम करते हैं आप उसकी डेटा फाइल को यहाँ पे रीड करिए और आप अगर एक्सेल में आ, आप अगर काम करते हैं तो एक्सेल की कोई भी फाइल को आप लीजिए और उसके उस डेटा को रीड करने की कोशिश करिए और उसके अंदर जो भी आपने ऑपरेशन पहले पढ़ के रखे हुए हैं आप उनको एम्प्लॉय करने की कोशिश करिए अब तो जैसे जैसे हमारा कोर्स ख़त्म होने की ओर आ रहा है आपके पास आर सॉफ्टवेयर की काफ़ी सारी नॉलेज आ गई है बहुत सारे कमांड्स आपको पता चल गए हैं आप उन कमांड को यहाँ पर इस्तेमाल करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले टर्न पर डेटा हैंडलिंग की कुछ और कमांस लेकर के मिलने आएंगे तब तक के लिए गुड बाय